Hello and welcome to Technically Explained. In the prepare gate general in 21 days, this is lecture number 19. और इस वीडियो में हम analytical preparation part 2 को discuss करेंगे. तो चलिए जी वीडियो start करते हैं. Names of 6 debaters of a format contest are U, V, W, X and Z. Total आपके पास 6 debaters हैं speech करने वाले हैं. 3 of the debaters are from University A. ठीक हो गया, 3 debaters इनमें से University A से हैं. और and 3 are from University B. ठीक है जी, टोटल 6 डिबेटर्स हैं, 3 यूनिवर्सिटी ए से है, 3 यूनिवर्सिटी बी से है. ठीक है, द 6 डिबेटर्स हैव फॉर्मड 3 टीम्स ऑफ 2 डिबेटर्स ईच. अच्छा, ये जो 6 डिबेटर्स हैं इन्होंने 2 टीम्स बनाए हैं, सॉरी 3 टीम्स बनाए हैं, और हर एक टीम में 2-2 डिबेटर्स हैं. ठीक है, कंप्राइजिंग 1 यूनिवर्सिटी बी एंड 1 यूनिवर्सिटी ए मेंबर. ठीक है जी, 6 टोटल डिबेटर्स हैं, 3 यूनिवर्सिटी ए से है, 3 यूनिवर्सिटी बी से है. उन्होंने 3 टीम्स बनाए हैं. अब 3 टीम में जाहिर सी बात है 2-2 डिबेटर्स होंगे. अब वो जो हर एक ग्रुप में जो 2 डिबेटर्स है, हर एक टीम में जो 2 डिबेटर्स है, एक यूनिवर्सिटी ए से है, एक यूनिवर्सिटी बी से है. ठीक है जी, इन द कमिंग कॉन्टेस्ट ईच टीम विल डिबेट इन वन ऑफ द एग्जैक्टली 3 राउंड्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है जी, 3 राउंड है. ठीक है जी, और द फॉलोइंग कंडीशन विल अप्लाई. अब कंडीशन को आप सोच समझ कर पढ़िए. Why will not debate in first or third round? देखिए, अब 3 rounds हैं, तो why first or third round में debate नहीं कर सकता? तो मतलब यह कि why हमेशा second round में debate करेगा. एक point clear हो गया. ठीक है, दूसरी बात, X will not debate in a later round than U. यानी जो X है वो U के बाद debate नहीं करेगा. अब इसका क्या मतलब है? यानी कि X जो है वो यू से पहले या डिबेट करेगा या यू के साथ में डिबेट करेगा. ठीक है, कि एक्स विल नॉट डिबेट इन अ लेटर राउंड देन यू. एक्स जो है वो यू के बाद डिबेट नहीं करेगा. मतलब अगर यू फर्स्ट राउंड में है तो एक्स सेकेंड राउंड में नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा. हाँ, ये हो सकता है कि जो है ना एक्स पहले डिबेट कर ले उसके बाद यू डिबेट कर ले. ठीक है जी, और ये भी हो सकता है कि दोनों सेम राउंड में डिबेट कर ले. ठीक हो गया. थर्ड कंडीशन, जेड हु इज़ यूनिवर्सिटी बी डिबेटर. अच्छा, इन्होंने मुझे बता दिया कि जेड यूनिवर्सिटी बी से है. ठीक है जी, इनमें से 3 यूनिवर्सिटी ए से थे, 3 यूनिवर्सिटी बी से थे. अब जेड का मुझे पता चल गया कि वो यूनिवर्सिटी बी से है. ठीक है, विल डिबेट इन अ रेटर राउंड देन डब्लू. ठीक हो गया जी, डब्लू जब डिबेट करेगा जेड उसके बाद डिबेट करेगा. अगर डब्लू राउंड 1 में डिबेट करेगा, जेड जो है जाके राउंड 2 या 3 में डिबेट करेगा. ये दोनों साथ में भी डिबेट नहीं कर सकते और डब्लू जेड से पहले भी डिबेट नहीं कर सकता. ठीक हो गया, यानी डब्लू हमेशा जो है वो जेड से पहले ही डिबेट करेगा. डब्लू हु इज़ यूनिवर्सिटी ए डिबेटर. एक और बात हमें क्लियर हो गई कि डब्लू जो है वो यूनिवर्सिटी ए से ताल्लुक़ रखता है. ठीक है जी, अच्छा, इन सब को, इन कंडीशंस को और ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसको मैंने समराइज टाइप किया है. देखें, पहले मैंने कहा है कि जी 6 मेरे पास डिबेटर्स हैं, आप भी ऐसा काम किया करें, ऐसे अपने अपने लिए टेबल्स बनाया करें, तो आपके पास टाइम की बचत हो जाती है, आप सारी एमसीक्यूज़ बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं. अच्छा देखिए, फर्स्ट एक्स देन यू आर सेम राउंड. देखें, पहले तो ये कि why will not debate in first or third round. तो इधर मैंने देखे why को सेकेंड राउंड में डाल दिया है कि why सेकेंड राउंड में है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये मैंने इधर डाल दी है. दूसरी क्या है कि फर्स्ट एक्स देन यू आर सेम राउंड. एक्स को, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिए अपने अल्फाज में कि पहले एक्स होगा फिर यू होगा, या दोनों सेम राउंड में होंगे. तीसरा क्या है जी, सेट विल डिबेट इन अ लेटर राउंड देन डब्लू. ठीक है जी, जेड जो है वो लेटर राउंड में डिबेट करेगा डब्लू से. तो उसको मैंने ऐसे कह दिया कि फर्स्ट डब्लू देन जेड, यानी कि अगर डब्लू फर्स्ट राउंड में डिबेट करेगा तो जेड दूसरे और तीसरे में कर सकता है. ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा कि जेड पहले में करे डब्लू सेकंड में करे, ऐसे कभी नहीं होगा. या डब्लू थर्ड में करे, जेड सेकंड में करे और डब्लू थर्ड में करे, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता. ठीक हो गया, तो फर्स्ट डब्लू देन जेड. ठीक है, अब मुझे वो यूनिवर्सिटी ए एंड बी का भी पता चल गया कि जी डब्ल्यू यूनिवर्सिटी ए से है, जो कि उसने स्टेटमेंट में बताया है. ये देखें, डब्ल्यू इज़ यूनिवर्सिटी ए डिबेटर एंड जेड इज़ यूनिवर्सिटी बी डिबेटर. ये भी मैंने लिख लिया, ये अपने साथ मैंने रफली साइड पे लिख लिया. और अब मैं क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, इफ वाई इज़ अ यूनिवर्सिटी बी डिबेटर एंड यू डिबेट्स इन एन अर्लियर राउंड देन डब्ल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. अच्छा, अब हमें Y का भी पता चल गया कि Y यूनिवर्सिटी B डिबेटर है, तो
इसी में ये जो है ना यूनिवर्सिटी ए भी मैंने डाला है, इसी में मैं वाई को डाल देता हूँ। ये देखें, ये मैंने वाई को इधर डाल दिया कि वाई जो है वो यूनिवर्सिटी बी डी बेटर है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या कहता है, एन यू डिबेट्स इन एन अलरियर राउंड देन डब्लो। ठीक है, यू जो है वो डब्लो से पहले डिबेट करता है। ठीक है जी, एक्स यू से पहले या सेमी डिबेट कर सकता है, और डब्लो जो है वो यू जो है वो डब्लो से पहले डिबेट करेगा। अच्छा, यू डब्लो से पहले डिबेट करेगा, और आपको ये कंडीशन भी गिवन है कि डब्लो जेड से पहले डिबेट करेगा। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है कि यू डिबेट्स इन एन अर्लियर राउंड देन डब्लो, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब हमें पता है जेड को हम थर्ड राउंड में डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डब्लो को उससे पहले डिबेट करना है, और ये भी गिवन है कि यू डब्लो से पहले डिबेट करेगा, तो आपके पास यू जो है ना वो इधर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये वाई डब्लो सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में जेड आ गया, फर्स्ट राउंड में आपके पास यू हो गया। अच्छा, वो कह रहा है कि फर्स्ट एक्स देन यू, ठीक है, आर सेम राउंड, तो मतलब ये दोनों सेम राउंड में हो जाएंगे। ठीक है जी, ये दोनों सेम राउंड में हो गए। अब आपके पास जेड के लिए वी ही रह गया, तो इधर आपके पास वी ही हो गया। ठीक है जी, अब देखिए आपके पास ये राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपके लिए आसानी हो गई है। अब वो क्या कहता है, यू इज़ अ यूनिवर्सिटी ए डिबेटर, वी इज़ अ यूनिवर्सिटी ए डिबेटर, डब्ल्यू डिबेट्स इन थर्ड राउंड, एक्स इज़ अ यूनिवर्सिटी बी डिबेटर। तो इसमें अब कौन सा ठीक है। अच्छा देखें, अब हमें जेड वाई और डब्ल्यू का तो पता है, लेकिन हमें एक्स का, यू का और वी का नहीं पता कि ये कौन कौन से हैं। जाहिर सी बात है, इन तीनों में एक जो है वो यूनिवर्सिटी बी से है, बाकी दो जो है वो यूनिवर्सिटी ए से है। ठीक है, अब दोनों यूनिवर्सिटी ए वाले फर्स्ट राउंड में नहीं हो सकते, दोनों इसी तरह दोनों यूनिवर्सिटी बी वाले सेकेंड राउंड में नहीं हो सकते, ना ही दोनों यूनिवर्सिटी ए वाले सेकेंड राउंड में हो सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दोनों एक राउंड में नहीं हो सकते, ये बात तो हमें पता है। दूसरी बात हमें ये पता है कि जेड जो है ना वो यूनिवर्सिटी बी का डिबेटर है। ठीक हो गया, यानी कि ये जो वी है ना, ये आपके पास यूनिवर्सिटी ए का डिबेटर हो जाएगा। वी जो है वो क्लियर हो गया कि वी हमारे पास यूनिवर्सिटी ए का है। ठीक है जी, इस वी को मैं क्रॉस कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो वी है, क्योंकि देखिए दोनों एक से नहीं हो सकते, जेड बी का है तो वी बी का नहीं होगा, वी आपके पास ए का डिबेटर हो गया। तो ये जो ये ऑप्शन है ये वाला कि वी इज़ अ यूनिवर्सिटी ए डिबेटर, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक हो गया जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ जेड डिबेट्स इन राउंड टू। ठीक है, जेड को मैंने राउंड टू में डाल दिया, ये देखिए जेड को राउंड टू में डाल दिया। अब जेड जो है ना वो यूनिवर्सिटी बी से है, तो मतलब वाई यूनिवर्सिटी ए से है, वाई को मैं इधर लिख दूंगा। ठीक हो गया, इफ जेड डिबेट्स इन राउंड टू देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिबेटर्स कुड डिबेट इन द राउंड इमीजिएटली फॉलोइंग एक्स राउंड एंड बी द सेम यूनिवर्सिटी एज। ठीक है, अच्छा आप देखें, जब जेड सेकेंड राउंड में आ गया तो फर्स्ट डब्लो है देन जेड है, तो डब्लो आपके पास इधर होगा। ठीक हो गया, अच्छा फर्स्ट एक्स देन यू है, अब एक्स और यू साथ में तो नहीं आ सकते, क्योंकि जो है इधर आप एक्स और यू दोनों को साथ नहीं ले सकते, तो मजबूरन मुझे इधर एक्स ही लिखना पड़ेगा और यू आपका इधर आ जाएगा, क्योंकि एक्स देन यू है, यू लेटर है। ठीक है, यू के साथ सिर्फ वी रह गया, तो वी को भी मैं इधर डालूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वो क्या पूछता है। हमारा अगेन जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें ए और बी का नहीं पता, लेकिन शायद वो ए एंड बी का पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुल डिबेट इन द राउंड इमीजिएटली फॉलोइंग द एक्स राउंड एंड बी द सेम यूनिवर्सिटी एज एक्स। ठीक है, अगर एक्स ऐसे है तो वो भी ऐसे होगा, अगर एक्स बी से है तो वो भी बी से होगा, इमीजिएटली फॉलोइंग एक्स राउंड। अच्छा, आपके पास जो एक्स राउंड है वो ये वाला राउंड है, इमीजिएटली फॉलोइंग एक्स राउंड आपके पास सेकेंड राउंड है। ठीक है, अब देखिए डब्लो जो है ना वो यूनिवर्सिटी ए से है, तो एक्स यानी कि यूनिवर्सिटी बी से है। ठीक है, और इमीजिएटली फॉलोइंग राउंड आपके पास ये वाला है, तो आपने इधर बी वाला यूनिवर्सिटी वाला देखना है, क्योंकि एक्स भी बी यूनिवर्सिटी से है, तो इसका आंसर आपके पास जी जेट आएगा। ठीक हो गया जी, इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास जेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कंप्लीट लिस्ट ऑफ डिबेटर्स एनी ऑफ हुम कुड बी यूनिवर्सिटी बी डिबेटर एंड डिबेटिंग इन राउंड थ्री। अच्छा जी, अब आप इसको देखें, वाई जो है वो सेकेंड राउंड में है, मतलब वाई आपके पास थर्ड राउंड में नहीं हो सकता, एक बात तो क्लियर हो गई। ठीक है जी, दूसरी बात ये है कि जो डब्लू है वो थर्ड राउंड में नहीं हो सकता, क्योंकि
जेड हमेशा डब्लो के बाद आएगा। अब डब्लो थर्ड राउंड में मैंने लिख दिया तो जेड फोर्थ राउंड तो है ही नहीं, तो जेड फोर्थ राउंड को नहीं जा सकता। तो डब्लो जो है ना वो भी आपका थर्ड राउंड में नहीं हो सकता। तो वाई एंड डब्लो को छोड़ के जितने बाकी भी डिबेटर्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इधर ऑप्शंस को देखें, इधर आपके पास डब्लो मौजूद है, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, इसके अलावा इधर आपके पास डब्लो नहीं मौजूद, ये ऑप्शन आपके पास ठीक है, क्योंकि डब्लो और वाई नहीं हो सकते, बाकी सारे हो सकते हैं। इधर अगर आप देखें डब्लू एंड वाई इसमें नहीं है, बाकी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इसलिए आपके पास ये जो आंसर है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ जेड डिबेट्स इन राउंड टू देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टू ऑफ द थ्री यूनिवर्सिटी डी डिबेटर्स, ठीक है जी। अब जेड डिबेट्स इन राउंड टू, तो जेड को मैंने इधर लिख लिया है, जेड क्योंकि राउंड टू में डिबेट करता है तो जेड को मैंने इधर लिख लिया है, ठीक है जी। अब जब Z राउंड टू में है तो जाहिर सी बात है Y जो है वो A का है। अच्छा, हमें पहले से गिवन है कि W A का है, और हमें ये भी पता है कि पहले W होगा फिर Z होगा, यानी कि W आपके पास राउंड वन में है, ठीक है। ये बातें हमारा हमें क्लियर हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि पहले X होगा फिर U होगा, ठीक है, यानी कि इधर आपके पास X आएगा और इधर आपके पास U आएगा। अब U के साथ जाहिर सी बात है सिर्फ V रह गया, तो V आपके पास थर्ड राउंड में आ गया, ठीक है। X आपका B हो गया, तो इधर X भी लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, अब U और V का नहीं पता, U और V जो है ना वो A से भी हो सकते हैं, B से भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से एक A से है, इनमें से एक B से है, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी टू ऑफ द थ्री यूनिवर्सिटी बी डिबेटर्स, तो उसमें आपके पास यू एंड वी है। क्यों? क्योंकि अगर इधर आपके पास W आया है, W जो है वो A का डिबेटर है, ये गलत है। इसी तरह इधर भी W आया है जो कि A का डिबेटर है, ये भी गलत है। इस तरह Y आया है, Y भी जो है, देखें Y A का डिबेटर है। उसकी वजह ये है कि Z राउंड टू में डिबेट कर रहा है और Y भी राउंड टू में डिबेट करेगा, ठीक हो गया ना, क्योंकि Y राउंड टू में पहले से है। तो Y Z आपस में डिबेट कर रहे हैं, और ये जो Z है ये यूनिवर्सिटी B से है, तो Y यानी कि यूनिवर्सिटी A से है, तो Y भी नहीं हो सकता। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास U एंड B है। नेक्स्ट, इफ W इज़ द सेम डिबेटिंग ग्रुप एज U, ठीक है, W और U का ग्रुप सेम है। अब हमें पहले से पता है कि W A से है, यानी कि W एंड U दोनों जो है वो A से है, ठीक है। W भी A से हो गया, U भी आपके पास ऐसे हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि हमें गिवन था कि W इज़ फ्रॉम ग्रुप है। अच्छा, एंड डिबेट्स इन द राउंड इमीडिएटली फॉलोइंग यूज राउंड, अच्छा, U अगर सेकेंड राउंड में डिबेट करेगा तो W थर्ड राउंड में करेगा, U अगर फर्स्ट राउंड में करेगा तो W सेकेंड राउंड में करेगा, इमीडिएटली फॉलोइंग का यही मतलब है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को ज़रा इंटरप्रेट करते हैं। पहली बात के W चूँकि यूनिवर्सिटी ऐसे है तो U भी उसी यूनिवर्सिटी से होगा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें गिवन था कि Z यूनिवर्सिटी B से है, वो भी हमने लिख लिया। अच्छा, अब वो कह रहा है स्टेटमेंट में कि U एंड W, U होगा और इमीडिएटली आपके पास W होगा, ठीक है जी। एंड डिबेट्स इन द राउंड, ये W का कह रहा है कि W डिबेट्स इन द राउंड इमीडिएटली फॉलोइंग U's राउंड, यानी कि पहले आपके पास U होगा और इमीडिएटली तो आपके पास W होगा, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि W पहले होता है, Z बाद में होता है, और अभी ये आपके पास स्टेटमेंट में पढ़ा कि U पहले होगा फिर W होगा, और W पहले होता है, Z बाद में होता है, ठीक है। तो ये इसकी ऑर्डर होगी, तो जाहिर सी बात है इसको अब मैं फर्स्ट में करूँगा, इसको मैं सेकंड में करूँगा, इसको मैं थर्ड में करूँगा। तो यही मैंने कर दिया है, U मैंने फर्स्ट में कर दिया है, W मैंने सेकेंड में कर दिया है, थर्ड मैंने Z में कर दिया है। क्योंकि अगर U मैं फर्स्ट में करूँ तो W मुझे सेकेंड में करना पड़ेगा, और Z के लिए फिर उसके बाद राउंड होगा, तो उसके बाद तो कोई राउंड नहीं है, तो इसलिए ये जो कम्बिनेशन है ये ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब ये हो गए तो उसके बाद आपके पास क्या रहता है, उसके बाद एक आपके पास X रह गया और आपके पास V रह गया। अब U और X या सेम राउंड में हो सकते हैं या X पहले होगा। अब U फर्स्ट राउंड में है तो X की कोई तुक नहीं बनती कि उससे पहले हो जाए, तो इधर आपके पास X आ जाएगा और इधर आपके पास V आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके पास कंप्लीट राउंड अगेन आ गए हैं। अब अगेन हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू,
बी डिबेट्स इन फर्स्ट राउंड, देखते हैं जी, नहीं ऐसा नहीं है तो ये गलत हो गया, इसको मैं गलत कर लेता हूँ। दूसरा वी इज सेम डिबेटिंग ग्रुप एज वाई, इसको देखते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तीसरा वी इज़ यूनिवर्सिटी बी डिबेटर, ठीक है जी, इसको ज़रा देखते हैं कि वी यूनिवर्सिटी बी का ही डिबेटर है। अच्छा यू अगर आपके पास ए का डिबेटर हो गया, ठीक हो गया ना, तो जो इसके साथ आपके पास यू और एक्स सेकेंड राउंड में है, यानी कि एक्स आपका यूनिवर्सिटी बी का डिबेटर हो गया, तो वी आपका यूनिवर्सिटी ए का डिबेटर हो गया, ठीक है। तो इसने क्या लिखा है, यू इज़ यूनिवर्सिटी बी डिबेटर, तो ये भी गलत हो गया। एक्स डिबेट्स इन फर्स्ट राउंड, जी ऐसा ही है, एक्स जो है वो फर्स्ट राउंड में डिबेट करेगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी एंड एक्स आर ऑन द सेम टीम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। यू एंड डब्ल्यू सेम टीम, यू एंड जेड आर ऑन द सेम टीम, डब्ल्यू एंड जेड आर सेम टीम, वाई इज अ यूनिवर्सिटी ए डिबेटर। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के दे दें, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इसकी समझ आई है कि नहीं आई है। ओके जी, फाइव एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशंस, फहद, हाशिम, जमाल, कलीम एंड मंसूर, एंड फोर इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशंस, रहमान, सलमान, ताहिर एंड वकार, मस्ट डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी असाइंड टू फोर वर्क टीम्स ऑफ एग्जैक्टली टू इलेक्ट्रिशंस, ठीक है जी। फाइव एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशंस है, फोर नॉन एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशंस है, उनको चार ग्रुपों में तकसीम करना है, हर ग्रुप में दो इलेक्ट्रिशंस होने चाहिए। अच्छा रूल्स क्या है, ईच इलेक्ट्रिशन इज असाइंड टू एटमोस्ट वन टीम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हर एक इलेक्ट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा एक टीम को असाइन हो सकता है, समझ आइए जी, एक इलेक्ट्रिशन दो टीम को असाइन नहीं हो सकता। हाँ एटमोस्ट आया है तो इसका ये भी मतलब है कि ऐसा भी इलेक्ट्रिशन हो सकता है जो किसी टीम में ना हो, ठीक है जी, एटमोस्ट का ये मतलब है। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिशन किसी टीम में ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक टीम में हो सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिशन दो टीम में नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रिशन ऑन ईच टीम मस्ट बी एक्सपीरियंस। अब एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम, यानी कि कम अज़ कम हर टीम में एक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशन होना चाहिए। अब दो भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिशंस भी एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम अज़ कम एक एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। मतलब ये है कि दो इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशंस एक ग्रुप में नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रहमान और सलमान एक ग्रुप में हो, या रहमान ताहिर एक ग्रुप में हो, या सलमान ताहिर एक ग्रुप में हो, या ताहिर वकार एक ग्रुप में हो, क्योंकि दो इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशंस एक साथ नहीं हो सकते। एक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशन का ग्रुप में होना ज़रूरी है, दो एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन एक का होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, नीदर मंसूर नोर रहमान नोर वकार कैन बी असाइन टू अ टीम विद फहद। फहद के साथ ना मंसूर हो सकता है, ना रहमान हो सकता है, ना वकार हो सकता है। अच्छा मंसूर जो है वो खुद एक्सपीरियंस है, तो मतलब ये है कि अगर आप इन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस को साथ में ले रहे हैं, फहद एक्सपीरियंस है और यहाँ से कोई इन एक्सपीरियंस उठा रहे हैं, तो फिर आप वकार को नहीं उठा सकते और ना आप रहमान को उठा सकते हैं, ठीक है जी। आप सलमान या ताहिर को उठा सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन वो भी आगे देखते हैं, चाहे शायद कोई कंडीशन आ जाए जिससे हमें एक और हिंट मिल जाए, ठीक है जी। तो इसको ज़रा मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है, रहमान, सलमान, ताहिर एंड वकार कैन नॉट बी टुगेदर, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और ये भी लिख दिया कि इन केस ऑफ वन एक्सपीरियंस एंड वन इन एक्सपीरियंस, फहद कैन ओनली बी विद सलमान एंड ताहिर। क्यों? क्योंकि इधर लिखा है कि फहद रहमान वकार के साथ नहीं हो सकता, तो जब रहमान और वकार के साथ नहीं हो सकता तो सलमान और ताहिर ही रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, इफ़ ताहिर इज़ असाइंड टू अ टीम, ईदर हाशिम आर कलीम मस्ट बी असाइंड टू डेड टीम। अगर ताहिर एक टीम में है तो हाशिम और कलीम का भी उस टीम में होना ज़रूरी है, लेकिन ताहिर इनएक्सपीरियंस है, इसके साथ एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो एक्सपीरियंस होगा वो या हाशिम होगा या कलीम होगा, उसके साथ जमाल, मंसूर और फहद नहीं हो सकते। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो चला है कि फहद और ताहिर आपस में साथ में नहीं हो सकते, ठीक है जी। इधर रहमान और वकार का उसने बता दिया कि जी फहद के साथ नहीं हो सकते, अब ताहिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ताहिर जो है वो सिर्फ जमाल के साथ होगा या कलीम के साथ होगा, तो फहद के साथ ताहिर भी नहीं होगा, यानी कि फहद के साथ जो इनएक्सपीरियंस सिर्फ रह गया वो सलमान है। फहद के साथ सिर्फ सलमान इनएक्सपीरियंस हो सकता है और कोई नहीं हो सकता।
अच्छा, जमाल के नॉट बी असाइंड टू अ टीम विद रहमान, जमाल और रहमान आपस में एक साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इसको मैंने समराइज किया है। देखिए, दो टीम्स है, एक्सपीरियंस कौन कौन से बंदे हैं वो मैंने लिख दिया, इनएक्सपीरियंस कौन कौन से बंदे हैं वो भी मैंने लिख दिया, और जो पॉइंट्स जो रूल्स है उसको मैंने ऐसे समराइज कर दिया कि रहमान, सलमान, ताहिर एंड वकार कैन नॉट बी टुगेदर। सलमान, ताहिर एंड वकार क्योंकि सारे इनएक्सपीरियंस हैं तो ये एक साथ में नहीं हो सकते, तो इस पॉइंट को मैंने ऐसे लिख दिया कि दे कैन नॉट बी टुगेदर। दूसरा ये कि अगर एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस दो बंदे एक टीम में हैं और एक्सपीरियंस बंदा फहद है तो उसके साथ सिर्फ सलमान ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको इधर बताया गया है कि रहमान और वकार फहद के साथ नहीं हो सकते, ठीक है जी। अब जब रहमान और वकार नहीं हो सकते तो सलमान और ताहिर रह गए। फिर आपको बताया गया है कि अगर ताहिर किसी टीम में हो तो उसके साथ सिर्फ हाशिम और कलीम ही होंगे और कोई नहीं होगा, तो फहद ताहिर के साथ भी नहीं हो सकता, यानी फहद के साथ सिर्फ सलमान ही हो सकता है, ठीक है जी। तो फहद कैन ओनली बी विद सलमान एंड ताहिर, ये तो पॉइंट थ्री है, लेकिन जब 3.2 है, लेकिन जब 3 पॉइंट हमने देख लिया कि ताहिर सिर्फ हाशिम और कलीम के साथ होगा, तो मतलब ये है कि ताहिर जो है वो फहद के साथ भी नहीं होगा। तो अगर एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस साथ में है तो ताहिर सिर्फ फहद सिर्फ सलमान के साथ होगा और जमाल और रहमान आपस में साथ में नहीं होंगे, ठीक है जी। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप रूल्स पे ज़्यादा टाइम गुजारे, जब आपने रूल्स सही तरीके से सीख लिए, जैसे हमने इस वीडियो में रूल्स पे ज़्यादा टाइम गुजारा, उसके बाद क्वेश्चंस आप एक मिनट में सारे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन हु कैन बी असाइंड टू अ टीम विद फहद। देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ वन एक्सपीरियंस एंड वन इनएक्सपीरियंस, फहद कैन ओनली बी विद सलमान। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सलमान हो गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? अगेन, अगर आप रूल्स को देखें, रूल्स में आपको साफ साफ लिखा है कि फहद के साथ मंसूर, रहमान, वकार नहीं हो सकते, और ये जो रहमान वकार है ये इनएक्सपीरियंस है। तो जब रहमान वकार कट गए तो आपके पास सलमान और ताहिर रह गए, और तीसरे रूल में लिखा है कि ताहिर सिर्फ हाशिम और कलीम के साथ होगा, ठीक है, ताहिर यानी कि फहद के साथ नहीं होगा, तो आपके पास सिर्फ फहद और सलमान ही बचते हैं, तो इसलिए आपके पास इधर राइट आंसर सलमान है। Following is a list of experienced electricians who can be assigned to a team with Fahad. ठीक है, देखिए पहले केस में एक experience, एक inexperience था, वो कह रहे हैं कि experienced electrician कौन होगा जो कि Fahad के साथ हो सकता है। देखिए, हमने जो point पढ़ा था कि at least one electrician on each team must be experienced, यानी कि एक team में कम से कम एक electrician experience हो सकता है। अब दो भी तो हो सकते हैं, at least आ गया, कम से कम आ गया, तो अब वो ये वाला केस है कि दोनों ही एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशन एक साथ में है, फहद भी है और साथ में दूसरा भी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशन है। अच्छा, अब हमें कहा गया है कि मंसूर फहद के साथ नहीं हो सकता ना, तो इसमें मंसूर तो कट गया आपका, ठीक है जी। अब इन ये जो बाकी तीन है उसमें हाशिम, जमाल और कलीम है, इनमें से दो हो सकते हैं, ठीक है, तीसरा नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह है कि देखें ना, ताहिर के साथ जो है या हाशिम होगा या कलीम होगा, तो बिलफर्ज अगर ताहिर हाशिम के साथ है तो फिर फहद के साथ जमाल और कलीम हो सकते हैं, ठीक है जी, और अगर ताहिर के साथ कलीम है तो फिर फहद के साथ हाशिम और जमाल हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि ऑप्शंस हमें क्या क्या गिवन है। हाशिम एंड वकार, पहली बात वकार इनएक्सपीरियंस है तो ये तो आपका गलत हो गया। मंसूर नहीं हो सकता, हमें पॉइंट्स में दिया है, अगेन इसमें भी मंसूर है तो ये भी गलत है, तो आपके पास जमाल एंड कलीम आ गया, ठीक है जी। अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल जो दूसरा ऑप्शन होता, हमने क्या कहा कि दूसरा कौन सा ऑप्शन है, एक तो जमाल एंड कलीम में है, दूसरा है हाशिम एंड जमाल, अगर इधर आपके पास कोई हाशिम जमाल ऑप्शन होता तो वो भी ठीक होता, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, इफ हाशिम इज नॉट असाइंड टू एनी टीम देन जमाल मस्ट बी असाइंड टू अ टीम विद। अच्छा, आप देख तो देखिए, ताहिर सिर्फ हाशिम या कलीम के साथ हो सकता है। अब हाशिम तो है नहीं, तो ताहिर और कलीम का एक ग्रुप है, इधर मैं एक ग्रुप में लिख लेता हूँ ताहिर और कलीम, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है का मतलब ताहिर और कलीम एक ग्रुप हो गया। दूसरा, हमने कहा कि जब भी एक एक्सपीरियंस और एक इनएक्सपीरियंस हो तो आपके पास फहद और सलमान भी हो जाएंगे, तो फहद और सलमान को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि जो है ये फिर हमने काट लिया था, क्योंकि ताहिर फिर जो है हाशिम और कलीम के साथ था तो ताहिर फहद के साथ फिर नहीं हो सकता था, तो मतलब फहद के साथ सिर्फ सलमान ही रह गया।
हाशिम एक एक्सपीरियंस है, तो जब एक एक्सपीरियंस चला गया तो आपके पास चार एक्सपीरियंस और चार इनएक्सपीरियंस रह गए, यानी कि हर एक ग्रुप में एक एक्सपीरियंस और एक इनएक्सपीरियंस रह गया। अच्छा, पूछा क्या गया है था कि जमाल के साथ कौन सा होगा। ठीक है जी, कौन कौन रह गए जमाल के साथ, देखें रहमान रह गया, ठीक हो गया, और आपके पास वकार रह गया। अब इधर आपको गिवन है कि जमाल और रहमान आपस में साथ में नहीं हो सकते, तो जाहिर सी बात है जमाल के साथ वकार ही होगा। तो इधर जो आपसे पूछा गया था कि जमाल के साथ कौन होगा, तो फिर जमाल के साथ आपके पास वकार ही होगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, स्टेटमेंट क्या कहता है, सेवन डॉक्टर्स ऑफ वेरियस स्पेशलाइजेशन, रहमान, नासिर, कबीर, मंसूर, रजा, फहद एंड जुबैर आर असाइन टू टू रूम्स। ठीक है जी, बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्ट्स ऑफ नॉलेज ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन द ग्रुप विल बी असाइन टू द रूम्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है जी, क्या हमें पता चला स्टेटमेंट से, टू रूम्स हैं, सेवन डॉक्टर्स असाइन करने हैं। ठीक है, डॉक्टर्स के नाम आपको गिवन है। रूल्स क्या है, रहमान मस्ट बी असाइन टू द सेम रूम एज रजा, मतलब आर और आर आपस में सेम होंगे। ठीक है जी, इस रहमान को मैं आर से डिनोट कर सकता हूँ, नासिर को एन से, के कबीर को के से, मंसूर को एम से, अगेन रजा आर, फहद और जुबैर। ठीक हो गया जी, रहमान मस्ट बी असाइन टू द सेम रूम एज रजा। पहला मेरा पॉइंट क्या है कि रहमान और रजा एक ही रूम में होंगे। दूसरा, फहद कैन नॉट बी असाइन टू द सेम रूम एज कबीर अनलेस मंसूर इज आल्सो इन दैट रूम। ठीक है जी, फहद और कबीर साथ में नहीं हो सकते अनलेस मंसूर उसमें मौजूद ना हो, यानी कि एफ के एम हो सकते हैं और एफ के नहीं हो सकते, ये मैंने देखे क्रॉस लगा दिया। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ईच रूम इज़ फोर। ठीक है जी, टू रूम्स है, सात टोटल है, तो एक में चार ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरे में तीन हो जाएंगे। टू रूम्स है तो एक में चार हो जाएंगे, दूसरे में तीन होंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, नीदर नसीर नोर कबीर कैन बी असाइन टू द सेम रूम एज जुबैर। ठीक है जी, जुबैर जो है या ना नसीर के साथ होगा और ना कबीर के साथ होगा। ठीक है, तो आपके पास जुबैर जो है वो ना एन के साथ होगा, नसीर के साथ होगा, और ना ही जुबैर आपका कबीर के साथ होगा। ठीक हो गया, तो ये तीन पॉइंट्स को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगेन इन पॉइंट्स को मैंने ऐसे लिख लिया, इसको ज़रा मैंने प्रॉपर लिख लिया, वो मैंने रफ में लिख लिया था। अच्छा, अब इन तीनों पॉइंट से हमें एक बात पता चली है, अगर फ़खर और कबीर जब भी एक रूम में हो, लेकिन अब फ़खर कबीर ये है, फ़खर कबीर जब भी एक रूम में है जो ज़ाहिर है मंसूर भी उसके साथ होगा। ठीक है जी, तो फ़खर कबीर मंसूर फिर एक ही रूम में होंगे। दूसरी बात कि क्योंकि कबीर और नासिर एक रूम में नहीं हो सकते ना, सॉरी, नसीर और ज़ुबैर एक रूम में नहीं हो सकते। ठीक हो गया जी, और कबीर और ज़ुबैर भी एक रूम में नहीं हो सकते, तो कहने का क्या मतलब है कि फिर जो ज़ुबैर है वो इधर आपके पास नहीं होगा। समझ आ गई है, इधर आपके पास ज़ुबैर फिर नहीं आएगा, ज़ुबैर फिर दूसरे रूम में आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई कि नहीं आ गई। ये देखिए आपका ये रूम वन हो गया, ये आपका रूम टू हो गया। अगर फहद और कबीर एक ही रूम में है तो मंसूर, लिखा है ना कि मंसूर उसके साथ होगा, ये वही पॉइंट है। ठीक है जी, जो मैंने समराइज़ किया है, अब ये तीन साथ में हो गए, अब कबीर ज़ुबैर के साथ नहीं हो सकता तो ज़ुबैर अगले उसमें होगा। अच्छा, अब देखिए रहमान और रजा एक ही रूम में है तो इधर रहमान और रजा भी नहीं हो सकते, तो फिर रहमान और रजा इधर ही होंगे, और इधर जो है आपके पास फिर नसीर ही आएगा। तो एक कम्बिनेशन आपको पता चल गई है। ठीक है जी, ये कंक्लूजन मैंने ड्रा कर ली है, ये कम्बिनेशन भी आप जहन में रख लें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए अक्सर आपको तीन कंडीशन गिवन होते हैं, उन तीन कंडीशन से एक कंक्लूजन भी निकलती है, तो ये कंक्लूजन उसे निकला है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ फहद इज असाइन टू द सेम रूम एज नसीर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है जी, फहद जो है वो नसीर के साथ सेम रूम में है, अगेन ये आपका रूम नंबर वन कह ले, ये आपका रूम नंबर टू कह ले। ठीक है, उसने कोई रूम स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप किसी भी रूम में इसको डाल सकते हैं। फहद और नसीर को मैं एक ही रूम में डाल देता हूँ। ठीक है जी, अब क्या है कि जब फहद रसीम एक ही रूम में हो गए, तो अब ये पॉइंट्स आप अगेन जहन में रख लें। ठीक है जी, द
तीसरा पॉइंट कहता है कि ज़ुबैर नसीर और कबीर के साथ नहीं हो सकते। इधर आपके पास नसीर आ गया ना, तो ज़ुबैर आपका इधर आ जाएगा, रूम टू में आ जाएगा। तीसरे पॉइंट से ये क्लियर हो गया, ठीक है जी, ज़ुबैर रूम टू में आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात कि ज़ुबैर के साथ कबीर भी नहीं हो सकता, तो इधर मैं कबीर नहीं लगा सकता, मुझे कबीर इधर ही लगाना पड़ेगा। अब जब कबीर इधर लग गया तो पॉइंट वन, पॉइंट टू कहता है कि फहद कबीर साथ में नहीं होंगे जब तक उनके साथ मंसूर भी मौजूद ना हो, ठीक है। तो इधर आपके पास मंसूर भी आ गया, तो इधर आपके पास रज़ा और रहमान आ गए, ठीक है। अब इसमें देख ले कि कौन सा ठीक है। ज़ुबैर इज़ असाइंड टू दी अदर रूम, ठीक है, ये आपके पास ठीक ऑप्शन हो गया। कि अगर फहद और नसीर एक साथ है तो देखें ना, ज़ुबैर नसीर के साथ नहीं हो सकता और ना ही कबीर के साथ हो सकता है। लेकिन अब देखें, एक रूम में नसीर या नासिर आ गया, तो जो आपके पास क्या नाम है, ज़ुबैर है, वो दूसरे रूम में होगा। अच्छा, नसीर और नासिर एक ही है, ये स्पेलिंग का वो है, ठीक है। ज़ुबैर दूसरे रूम में होगा, तो ये जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि गलत है। मंसूर इज़ असाइंड टू दी अदर रूम, नहीं जी, मंसूर तो उसी रूम में है जहाँ पे फहद और नासिर है, ये ऑप्शन गलत है। कबीर इज़ असाइंड टू द अदर रूम, नहीं जी, कबीर भी उसी रूम में है, देख सकते हैं आप, जिस रूम में फहद और नासिर है उसी रूम में कबीर भी है। राजा इज़ असाइंड टू द सेम रूम एज़ फहद एंड नासिर, नहीं जी, राजा तो दूसरे रूम में है, तो ये भी गलत हो गया। आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If Raza is assigned to the same room as Kabir, which of the following must be true? Again, दो ही rooms हैं हमारे पास, ये भी हमें पता है कि maximum चार ही बंदे हो सकते हैं। Raza is assigned to the same room as Kabir. अब room नहीं specified, तो आप room टू में भी इसको डाल सकते हैं, room वन में भी इसको डाल सकते हैं। तो ये आपका Raza और Kabir हो गया। अब देखिए, Raza के साथ रहमान भी मौजूद हैं, तो रहमान, Raza और Kabir एक ही room में हो गए, ठीक है जी। अब जब कबीर इस रूम में है, जाहिर सी बात है ज़ुबैर की कबीर के साथ बनती नहीं है, तो ज़ुबैर रूम टू में ही होगा। दूसरी बात कि ज़ुबैर के नसीर के साथ भी नहीं बनते, ये दो एक रूम में नहीं हो सकते। ये अगर आपको पॉइंट नज़र आ रहा हो, ठीक है जी, ये मेरे वही पॉइंट मैंने दोबारा इस तरह छोटे करके लिखे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नसीर आपका इधर ही होगा, ठीक है जी। अब जब नसीर इधर हो गया, तो बाकी जो दो रह गए, जिसमें गालिबन फहद है एक, और दूसरा जो है आपके पास जो भी है वो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो रहमान, रज़ा, कबीर, नसीर इधर हो गए, ज़ुबैर, फहद और मंसूर वो आपके पास इधर हो गए। अच्छा, अब आप ऑप्शंस को देख लें कि ऑप्शंस क्या कहते हैं। ज़ुबैर इज़ असाइंड टू द सेम रूम एज़ रज़ा एंड कबीर, नहीं जी, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ज़ुबैर और कबीर तो एक साथ हो ही नहीं सकते। तीसरा पॉइंट आप लोग देख लें। नसीर इज़ असाइंड टू द सेम रूम एज़ ज़ुबैर, नहीं जी, नसीर और ज़ुबैर एक रूम में हो ही नहीं सकते। अगेन तीसरा पॉइंट, ये भी गलत हो गया। नसीर इज़ असाइंड टू द अदर रूम देन द वन विच कबीर इज़ असाइंड। देखिए, ये हमने सॉल्व कर लिया और कबीर और नसीर एक ही रूम में हो गए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। राजा एंड कबीर आर असाइंड टू द रूम ऑक्यूपाइंग फोर डॉक्टर्स, बिल्कुल जी, ये राजा है, ये कबीर है, ये उसी रूम में है जहाँ पर आपके पास फोर डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये आपके पास ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ज़ुबैर इज़ असाइंड टू द सेम रूम एज मंसूर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? अगेन, रूम वन, रूम टू, ठीक हो गया। अगेन कोई स्पेसिफिक रूम नहीं स्पेसिफाई, ये नहीं कहा कि ये रूम वन से है या रूम टू से है, तो आप इसको कहीं भी डाल सकते हैं। तो ज़ुबैर इज़ असाइंड टू द सेम रूम एज मंसूर, तो ज़ुबैर और मंसूर को मैंने एक साथ डाल दिया। अच्छा, हमें पता है इसके ज़ुबैर की किसके साथ नहीं लगती, नसीर और कबीर के साथ नहीं लगती, तो नसीर कबीर दोनों इधर ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़ुबैर ना नसीर के साथ हो सकता है और ना ही कबीर के साथ हो सकता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये दो तो हो गए। अब आप देखें कि एक तो आपसे ये भी कहा है कि एफ के नॉट पॉसिबल अनलेस एफ के एम, ठीक है जी। तो मतलब ये है, ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं कि फहद और कबीर एक साथ नहीं हो सकते जब तक उसके साथ मंसूर ना हो। अब ये देखिए, कबीर इधर है, तो इधर मैं फहद नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मंसूर इधर है, तो मतलब इधर फहद नहीं आएगा, फहद आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये कंक्लूजन की समझ आ गई। अब दूसरी बात, आपके पास रहमान और रज़ा रह गए जो कि एक साथ है। अब उन दोनों को मैं इधर नहीं डाल सकता, क्योंकि फिर पाँच डॉक्टर्स हो जाएंगे, तो रहमान, रज़ा आपके पास इधर आ गए। अगेन हमारी कम्बिनेशन कंप्लीट है, ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है जी। फहद इज़ असाइंड टू द सेम रूम एज नसीर, नहीं जी, फहद इस रूम में है, नसीर इस रूम में है, ये गलत हो गया। फहद इज़ असाइंड टू द सेम रूम एज रहमान, नहीं जी,
रहमान रजा दोनों इस रूम में है, फहद इस रूम में है, गलत हो गया। नसीर इज़ असाइन टू द सेम रूम एज कबीर, ये देखिए नसीर और कबीर आपस में एक ही रूम में है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। चौथी को भी देख लेते हैं कि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। नसीर इज़ असाइन टू द सेम रूम एज ज़ुबैर एंड मंसूर, देखिए वह तो तीसरा पॉइंट में लिखा है कि ज़ुबैर और नसीर एक साथ हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई है, इस एनालिटिकल पोर्शन की समझ आई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।